हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास भी हमारी तरह सिलाई मशीन है और अगर आप सिलाई मशीन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर खरीदना चाहते हैं तो कौन सा मोटर खरीदना चाहिए, कार्बन वाला लेना चाहिए या कार्बन बिना का लेना चाहिए, पूरा डिटेल में वीडियो में देखेंगे। और साथ साथ में सिलाई मशीन में किस प्रकार से मोटर को अटैच किया जाता है, यानी कि फिटिंग किस प्रकार से करना होता है, पूरा डिटेल में दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात को समझना जरूरी है कि कार्बन ब्रश वाली मोटर में और बिना कार्बन ब्रश वाली मोटर में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, जो कार्बन ब्रश वाली मोटर होती है वो कार्बन ब्रश के बेसिस पर चलती है, जबकि जो कार्बन ब्रश बिना की मोटर होती है इनमें कोई कार्बन का सिस्टम नहीं होता है, वो डायरेक्ट ही चलती है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कार्बन ब्रश वाली मोटर में कि आपको इसमें हर वक्त कार्बन को चेक करना होता है। अगर आप कार्बन को समय रहते चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कार्बन जलने की वजह से आपकी कार्बन वाली जो मोटर होती है इनका आर्मेचर भी जल जाए या पूरा मोटर भी जल सकता है। जबकि जो बिना कार्बन ब्रश वाली मोटर होती है इनमें कार्बन का सिस्टम नहीं होने की वजह से ऐसा कोई इसमें लफड़ा ही नहीं होता है, जलने वलने का कोई इसमें चांसेस नहीं रहता है। और दोनों में दोस्तों, सबसे बिना मेंटेन वाली मोटर है वो कार्बन ब्रश बिना की, इनमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 महीने में एक बार इसका जो बेयरिंग है दोनों तरफ का, इसको लुब्रिकेट करना होता है, वो भी ऑयल से। और दोस्तों, जो कार्बन ब्रश वाली मोटर होती है इनमें आपको कार्बन ब्रश भी चेंज करना होता है और साथ साथ में इसको लुब्रिकेट भी करना होता है। और दोनों के रेट में भी आधा आधा फर्क है। आपको कार्बन ब्रश वाली मोटर जो है वो मार्केट में 700 रुपये में मिलेगी, तो ये जो कार्बन ब्रश बिना वाली मोटर है आपको 1300 से 1400 रुपये में मिलेगी, क्योंकि दोनों में आधा आधा रेट का भी अंतर है। तो जैसे ही आप रेट इसमें दोगे इसी प्रकार का आपको इसमें मोटर मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ घर का ही काम सिलाई का करना चाहते हैं तो आप कार्बन वाली मोटर पर भी जा सकते हैं। अगर आप पूरे दिन सिलाई मशीन का काम करते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप बिना कार्बन ब्रश वाली मोटर है उसको ही आप लीजिए, क्योंकि इसमें कोई मेंटेन वाला काम नहीं होता है। और सबसे जो बेस्ट मोटर है वो भी आपको बिना कार्बन ब्रश वाला ही रहेगा, क्योंकि वो जो कार्बन ब्रश वाला मोटर होता है इनमें आपको हर वक्त कार्बन को चेक करना पड़ेगा और सब बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको मोटर को अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये जो फुट पैंडल है ये मिल जाता है साथ में, तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। और साथ साथ में मोटर का जो ये बेल्ट होता है वो भी मिल जाता है। और साथ साथ में दो बोल्ट भी मिल जाता है मोटर को फिट करने के लिए। और ये रहा मोटर हमारा जो ब्रदर कंपनी का है, और इसमें कॉपर का जो रोटर है वो हमें इसमें दिया जाता है। और इसमें साथ साथ में आपको 6 महीने की वारंटी भी मिलती है। और साथ में यहाँ पर आपको एक एल्यूमिनियम का जो वीबिल्ट का फुल्ली होता है वो भी मिल जाता है। तो इसको आपको हम लगा कर भी दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें हमें लगाना है। और यह रहा यहाँ पर वारंटी का सिंबल, 6 मंथ की इसमें हमें वारंटी दी जाती है। अगर मोटर में कोई भी दिक्कत आती है तो इस मोटर को आप जहाँ से आपने खरीदी है वहाँ पर दिए आएंगे तो इसको आपको कंप्लीट करके वापस देगा। और आज तक हमने भी इसी कार्बन वाली मोटर को ही यूज़ किया है, मगर काम का लोड ज़्यादा हो जाने की वजह से आज हम इस मोटर को यहाँ से निकाल के इसमें जो बिना कार्बन की हैवी मोटर है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सिलाई मशीन की मोटर को लगाने के लिए आपको क्या क्या टूल्स की आवश्यकता रहेगी, तो कोई भी आपके पास छोटा मोटा एक हैमर होना चाहिए, अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई तो ऐसे कि स्क्रू ड्राइवर कोई भी आपके पास होगा चल जाएगा, और 10 नंबर और 11 नंबर की ऐसी एक चाबी चाहिए, एक ड्रिल चाहिए, और ड्रिल के अंदर 10 नंबर का हमें बिट लगा लेना है। तो सबसे पहले इस मोटर के बिल्ट को हम उतार लेंगे।
और यहाँ से निकाल के ऊपर से निकाल लिया है, और इसके बाद इसका जो यहाँ पर प्लग लगा है इसको हटा लेना है, और इसके बाद ये वाले जो दो बोल्ट है इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसके दो बोल्ट एक इस साइड में है और एक इस साइड में, इसको रिमूव कर लेते हैं और इस मोटर को यहाँ से निकाल लेते हैं। मोटर को हमने नीचे से रिमूव कर लिया है, और सबसे पहले हमें ये वाले बिल्ट को इस खांचे में रख के नीचे से एक हाथ के पकड़ के इस मशीन में लगा लेना है। मोटर की पुल्ली को हमें बेल्ट में लगाने के बाद मोटर को थोड़ा पीछे की ओर खींच लेना है। पीछे की ओर खींचने के बाद ये वाला जो बेल्ट है इसको इसके स्लॉट में दोनों ओर सेम गैप रख लेना है, और इसके बाद यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेना है, और साथ साथ में इस साइड में भी मार्किंग कर लेना है, और इसके साथ में हमें यहाँ पर कितना जो मेजरमेंट है यहाँ से छूटा है इसको भी अच्छे से देख लेना है, और इसके बाद यहाँ से मोटर को ऊपर की ओर हमें रख लेना है। मोटर को हमें यहाँ रख लेना है, और मोटर को रखते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि मोटर जो है यहाँ से बिल्कुल ऐसे लेवल में होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास नया हो या चाहे कोई पुराना बेल्ट हो, इसको हमें मशीन में और मोटर की पुली में रखने के बाद मोटर को एक हाथ से प्रेस करना है, और दूसरे हाथ से हमें बेल्ट को नीचे की ओर खींचना है, और यहाँ से हमें देख लेना है जो बेल्ट का लेवल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका बेल्ट का जो लेवल है वो बिल्कुल सही हो जाता है, इसके बाद बेल्ट को यहाँ से हटा लेना है, और यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेना है। इस प्रकार से, और इसके बाद यहाँ आपको मेजरमेंट करके दो छेद बनाना है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर मेजरमेंट टेप रख के यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर 3.5 है तो इस ओर भी हमें 3.5 ही रखना है, और इसके बाद कोई भी ऐसे किल से यहाँ पर मार्किंग हमें कर लेना है। तो दोस्तों मोटर का फिटिंग हो चुका है कंप्लीट, और चलिए मैं आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मोटर का फिटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना सा ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।